राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या आपको पता है, आप किसी ऐसे महीने के बारे में जानते हैं जिसका नाम पुरुषोत्तम हो? क्या आपको पता है कोई ऐसा महीना जिसमें थोड़ी सी भी पूजा पाठ करने पर उसका फल हजारों गुना ज्यादा हो जाता है? सिर्फ एक दीपक जलाने पर ही मनुष्य के भाग्य चमक जाते हैं। वो महीना है पुरुषोत्तम का महीना। एक बार बहुत से ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। नैमिषारण्य एक महान तीर्थ स्थल है जिसको भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने प्रकट किया था। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद में मग्न हो गए। वे वत्कल वस्त्र पहने हुए, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए थे। महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के ऋषि लोग उठकर खड़े हो गए। उन ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, हम सबको आप भगवान की अद्भुत कथाएं सुनाइए। हमारी अटूट इच्छा है, हम हरि कथा सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं, आपने गुरु जी की कृपा से भगवान के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर डूबते हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, वो हमें बताइए। सोनक आदि ऋषियों के पूछे जाने पर सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया था और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि भी थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे। प्यारे मित्रों, सुखदेव जी बहुत छोटे ऋषि थे। उनकी अवस्था सबसे छोटी, लेकिन उनका ज्ञान सबसे विशाल था। जिनकी 8 वर्ष की आयु शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केसों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अद्भुत भेष ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के समान चंद्रमा जैसे सुखदेव जी लग रहे थे। ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर वे बहुत प्रसन्न थे, ऐसे जैसे तारागढ़ में चंद्रमा शोभायमान होता है, ठीक वैसे ही सुखदेव जी लग रहे थे। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनाई जाएगी। तब तक के लिए राधे राधे। एक बात आप सब याद रखना, ये पुरुषोत्तम का महीना विशेष प्रभावशाली है। इस महीने में अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के चरित्रों का गान करना चाहिए, उनके महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करना चाहिए। जितना हो सके उतना कम ही है। राधे राधे।